नहीं गुस्से में नहीं, हैरान है। लाला बहुत प्यार दे रहे हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो ये लो ये लो, इसको ले, टाटा वगैरह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लाला ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी बेटियों के साथ तो हमने भी बहुत टाइम गुजारा है, बहुत ओकेजंस में मिले हैं, कहीं से भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि आपकी बेटियां फील करती हैं कि दे आर बीइंग हेल्ड बैक या आप उनको कुछ करने नहीं देते, लेकिन ये मेंटालिटी या ये आपके बारे में नोशन क्यों है कि आप रिग्रेसिव एटीट्यूड रखते हैं या बेटियों की पढ़ाई या तालीम या स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। देखिए लोगों की अपनी सोच, हमारे यहाँ ना थोड़े जो पढ़ा लिखा तबका हो जाता है ना, जो पढ़ा लिखा तबका है जो वेस्टर्न जबान बोलना शुरू कर देता है, वो उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। उनके उनको उनके आप मुंह बंद नहीं करा सकते। पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी पर्सनल किसी की लाइफ के ऊपर कभी भी डिस्कस नहीं करूंगा, ना कभी आपने मुझे सुना होगा कि मैं किसी की लाइफ को डिस्कस। हर एक बंदे की अपनी एक लाइफ है। एक चीज तो ये है, मेरी बेटियां माशाल्लाह पढ़ती हैं, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी जाती हैं, वहां पढ़ती हैं माशाल्लाह से, बनना चाहती हैं, उनके कुछ विजन है। मेरी बेटी का भी माशाल्लाह अक्सा जो है वो अपने स्कूल के अंदर नंबर वन थ्रो बॉल प्लेयर बनी हुई है। तो मुझे मैं बहुत सारी चीजों को देखना होता है। हम मुसलमान हैं, हमारे कल्चर है, पठान है हम लोग, बहुत सारी चीजों को हमें देखना होता है। हमारा हमारा दीन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है दीन हमारा। हमें कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए जो कि मैं समझता हूँ कि जरूरत है। और कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन प्रॉमिस सना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती। मेरा ताल्लुक मेरे अल्लाह से है, मेरा अल्लाह राजी है, तो मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। बेटियां क्या आपसे क्या डिस्कशन करती हैं, मतलब आपसे क्या कहती है, अस्मारा क्या कहती है? अभी तो जाहिर है छोटी है, लेकिन वो क्या बनना चाहती है? कभी कहती है ऐसी कोई चीज की डिमांड करती है जो आप समझते हैं कि आप नहीं दे सकेंगे उसे, या जो वो बनना चाहती है आपकी, जैसे अगर आपका बैकग्राउंड है या आपकी कोई थिंकिंग है, आप किसी बेटी को देखते हैं कि मैं ये नहीं करने देना चाहता, आपकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी अक्सा है, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बाबा मैंने आर्मी ज्वाइन करनी, मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मैंने कहा बेटा आर्मी के लिए थोड़ा सा आप लेट हो गई है ना, कुछ और बने, आप डॉक्टर बने। तो वो डॉक्टर बनना चाहती है। अजवा की ख्वाहिश है कि वो आर्मी कॉलेज में जाना चाहती है, वहां पढ़ना चाहती है। अंशा है वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, साथ में मेरे साथ फाउंडेशन को लेना चलाना चाह रही है कि बाबा मैं आपके साथ सपोर्ट करना चाहती हूँ आपकी फाउंडेशन को, और मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो अस्मारा के अपने ख्वाब है अभी। तो देखिए मेरी कोशिश ये है कि बच्चों को एक एज तक मैं बताऊं कि ये सही है ये गलत है, फिर उसके बाद उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने जिस तरह जिंदगी गुजारनी है उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एज अ पेरेंट्स, हमसे अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता, पेरेंट्स से अच्छा टीचर औलाद के लिए कोई नहीं है। हम उन्हें एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बाकी उनकी अपनी लाइफ है इंशाल्लाह। लाला आप मेरे वाले साहब को भी जानते हैं, आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, आपने भी देखा है, और वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि अच्छा एक उम्र में लड़की की शादी कर दी जाए, लड़की अपने घर में सेटल हो जाए, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए। बहुत दफा अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं, तो ऐसे मामलात में आप वालिदैन को क्या एडवाइस करेंगे? मतलब नसीब का रोना है क्या, उनकी मतलब परवरिश में कोई कमी रह गई, क्या आप समझते हैं क्या होता है और क्या करना चाहिए ऐसे वालिदैन को जो अपनी बेटियों के मामले में परेशान रहते हैं? देखिए पहले तो मेरी उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की औलादों की किस्मत अच्छी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जितना हो सके अपनी औलाद को पढ़ाएं, और खासतौर पे बेटियां, एक तो लड़के जरा थोड़े से निकम्मे ज्यादा होते हैं, लेकिन बेटियां जो है ना वो शौकीन बहुत होती है पढ़ने की। तो मैं समझता हूँ कि बेटियों को अच्छी सी अच्छी तालीम दिलाई जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके टैलेंट को सपोर्ट करें, उनके टैलेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि टैलेंट जो होता है, शौक जो होता है ना, वो अल्लाह की तरफ से एक टैलेंट होता है। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने जो बच्चों के शौक होते हैं, उनको लाजमी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप अपने गांव में जब जाते हैं तो वहाँ वक्त गुजारना कैसा लगता है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, किसके साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं? गाँव में देखे अच्छी बात यह है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं इनको गाँव की लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है इनको वहाँ की लाइफ। उसके अलावा जब भी ट्रेवल वगैरह होता है तो मेरे साथ निकलते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, नसरुल्ला जिन्हें आप भी जानती हैं, नसरुल्ला हो गए, अनायत हो गए, हसन वगैरह हैं, ये वो दोस्त हैं, अली है, आमिर है, ये वो लड़के हैं जिनके साथ मेरा बहुत बड़ा सर्कल नहीं है दोस्तों का, कुछ आठ दोस्त हैं मेरे लेकिन बहुत क्लोज है मेरे। अच्छा लाला ये बताएं कि क्रिकेट की फील्ड में सबसे अच्छा दोस्त कौन बना, लेकिन फिर उससे बाद में नहीं बनी या आज तक नहीं बनती, पहले बहुत अच्छी बनती थी, ऐसा कोई है प्लेयर? अच्छा मेरे जितने भी दोस्त जब मैं क्रिकेट खेल रहा था बहुत सारे, मेरा कभी कोई ग्रुप नहीं रहा कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो उसके साथ नहीं जा रहा, ऐसा कभी भी नहीं था मेरा।
इवन के अब्दुल रज़ाक के साथ काफी अरसा रूममेट रहा, शेयर किया हमने, बहुत ज्यादा दोस्ती थी हमारी, अभी भी दोस्ती है। शोएब अख्तर हो गए, आपके मोइन भाई, वसीम भाई, सकलैन, इन सारों के साथ मेरा जैसे पहले ताल्लुक था अब भी वही ताल्लुक है, अभी भी कॉल करता हूँ, अभी भी गपशप होती है। सईद अनवर मेरे वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट प्लेयर, उनके साथ भी गपशप लगती रहती है। एनसी भाई हो गए, एनसी भाई से खैर बातचीत कम होती है, लेकिन एनसी भाई के साथ मैंने एक वक्त बहुत एंजॉय किया। विकी भाई हो गए, नो डाउट विकी भाई के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। यूनुस खान हमारा, यूनुस खान, तो यूनुस खान के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है मेरा। अच्छा, ये सारे खाने जो है ना, सारे खाने आपने पूर कर दिए। अच्छा ये बताएं कि अभी कौन है फेवरेट प्लेयर, आप क्या समझते हैं किसमें बड़ा स्पार्क है, बहुत आगे जाएगा? देखिए हमारे ये जो पीएसएल की वजह से ना कोई टैलेंट हमारा सामने आया है इस वक्त। अगर आप पाकिस्तान टीम की बैकबोन देखें तो हसन अली हो गए, शादाब हो गया, शादाब के अलावा आपके पास है बाबर आजम, नो डाउट इस जितना कंसिस्टेंट प्लेयर मैंने बाबर को देखा कोई नहीं है। हिमाद वसीम हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन बन सकते हैं, आगे जाके पाकिस्तान को काफी जितवा सकते हैं, क्रिकेट ये मैचेस जितवा सकते हैं। अजहर अली है, असद शफीक है, ये वो प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स भी हैं और पाकिस्तान की बैकबोन भी हैं इस वक्त। अच्छा ये बताएं लाला कि अगर आप लोग बहुत कह रहे हैं और मैं अब पता नहीं अब ये सही है गलत, आप ही इस बात को बता सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन है सियासत में आना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो पहले बता दें, क्योंकि हम एक देख चुके हैं क्रिकेटर को सियासतदान बनते हुए, तो हमें पहले यकीन माने नहीं, मेरी मेरे मेरे जैसे बस की, मेरे जैसे बंदे की बस की बात नहीं है सियासत, नो वे। सियासत मैंने बहुत करीब से बहुत सियासतदानों को देखा है, मुनाफकत भरी पड़ी हुई है, मुनाफकत झूठ भरा पड़ा हुआ है इनके अंदर। मैं इन लोगों के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं, अगर वो कहते हैं ना कि यार, मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकता, मेरे कुछ दोस्त कहते हैं लाला क्यों अच्छे लोग नहीं जा सकते, मैंने कहा अच्छे लोग उस सिस्टम में जाके, वो सिस्टम इतना खराब है कि उस सिस्टम में जाके खराब हो जाएंगे। तो अभी तक इमरान खान खराब हो गए या सिस्टम में खराब हो गए या अभी बचे में बचत है? इमरान भाई के पास, अल्लाह ताला ने इमरान भाई को बहुत बड़ा मौका दिया है। इमरान भाई इस मुल्क की होप है, ठीक है ना। मैं भी ये, मेरा भी यही बिलीव है, हमारे बच्चों का भी यही बिलीव है कि एक बंदा जो है वो इस वक्त होप है पाकिस्तान की। हम सब उन पे, इमरान भाई पे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इमरान भाई टीम इमरान भाई को जितवाएगी उनकी टीम, दैट्स इट। टीम आप खुद, मैं कह रही हूँ महमूद खान के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, और बाकी और लोगों के आप खैबर पख्तूनख्वा का हाल देख लें, उसकी रोडों का हाल आपने बताया, 5 दिनों में वो सूबा अपने पास रखा, उसको दिखा के वो और चीजें कर सकते थे, जरा आप देखें तो सही उनका जो मतलब उन्होंने क्या किया है। आपने तो खुद खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं, रोडों का हाल आपने देखा है। देखे सना, मैं वो कह रहा हूँ कि काम इमरान भाई को अपनी नजर से देखना चाहिए, वहां जाना चाहिए खुद, हेली के बजाय अगर वो रोड पे गाड़ी पे जाए तो उनको सिचुएशन पता चल जाएगी। इमरान भाई को काम बहुत स्लो हो रहा है, ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, स्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। 7 साल से हुकूमत है केपीके के अंदर, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं समझता हूँ, ये बात मैंने पहले भी की थी कि इमरान भाई का जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ अपना, जो उनके इनका विजन के हिसाब से उनकी टीम को डिलीवर करना पड़ेगा, इमरान भाई अकेले मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, उनको टीम का। अब आप बता दें टीम में कौन रह गया, टीम में रद्दो बदल कर दिया और आपने आगे हाथ जोड़ दिया। लोग कह रहे हैं, हमारे फैन नीचे से पूछ भी रहे हैं कि हाथ ना जोड़े, जवाब दें सियासत में आएंगे या नहीं। अच्छा अभी अगर मैं कह दूं कि नहीं सियासत में नहीं आऊंगा, और फिर 2-3 साल 4 साल बाद अगर आ गया तो फिर मतलब के इरादे तो हैं। नहीं नहीं मतलब नहीं, मैं सना आपको अपना बता रहा हूं, मुझे कुछ जो लोग करीब से जानते हैं ना, जो मुझे जानते हैं, मैं कभी भी लंबा प्लान नहीं करता, मैं जब भी प्लान करता हूँ वो उस प्लान के हिसाब से कभी नहीं हुआ। जो अल्लाह के प्लान है ना वो बहुत जबरदस्त प्लान होते हैं बंदे के लिए, मैं कसम भी खाने को तैयार हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं वक्त के साथ चलने वाला आदमी हूँ, वक्त से ज्यादा आगे तेज भागने का शौकीन नहीं हूँ। हर दिन एक जिंदगी का नया और खूबसूरत दिन अल्लाह की तरफ से है, मैं हर दिन को उस हिसाब से जीने की कोशिश करता हूँ। आगे क्या फैसले होंगे ये मेरा रब ही जानता है, आगे शाहिद अफरीदी ने क्या करना है ये अल्लाह ही जानता है, मैं हर दिन के हिसाब से जी रहा हूँ बस। अच्छा मकबूजा कश्मीर से आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं आ रही हैं। आप हाँ जी, कश्मीर से इंशाल्लाह प्लान बना रहा हूँ, कश्मीर से बहुत लोग हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह मेरा प्लान बन रहा है कश्मीर जाने का भी, कल ही वापस आया हूँ बलूचिस्तान से, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं कश्मीर जाऊंगा। एंड देन सना जो सिचुएशन मैं बलूचिस्तान में देख के आया हूँ, मेरे ख्याल में
दोबारा मैं कश्मीर से वापस आके मैं दोबारा बलूचिस्तान तकरीबन कोई 7-8 दिन 10 दिन उन लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। वहां पे जो गुर्बत का लेवल है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। या वहां पे मैंने देखा, या मैंने सिंध रिमोट सिंध के अंदर देखा जाके, बहुत बुरे हालात हैं। मैं और आप तो बड़े बादशाहों और शहजादों वाली जिंदगियां गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। किसका कसूर है लाला, ये किसका कसूर है? ये 70 साल को मतलब हमने उनको इग्नोर किया है, हमने उस सूबे को इग्नोर किया है। और यही मैं कह रही हूँ ना, ये जो आप नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, ये जो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आप किसी को तो देंगे ना। अगर जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी आपने हाल ही में सलीम साफी साहब को भी एक इंटरव्यू दिया, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप किससे शेयर कर रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, कि भाई आप ये करें या ये करें? मशवरा दे सकते हैं आपके जो इमरान भाई से है, आपको लगता है आपको देना चाहिए मशवरा कोई? अभी अभी जितना भी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, जितना भी घूम फिर रहा हूँ, लोगों के इश्यूज को सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के इश्यूज है क्या, फिर अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करूंगा इंशाल्लाह। वो जो भी कंसर्न लोग होंगे उन तक वो फाइल पहुंचाऊंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ या उनको क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरत है, हमने तो सिर्फ कराची लाहौर इस्लामाबाद को ही पाकिस्तान समझा हुआ है, लेकिन 80% लोग जो है वो आपके उन एरियाज में रहते हैं। जब तक वो बहुत सारे लोग के अलावा मतलब कराची लाहौर इस्लामाबाद तक समझते हैं कि गए राशन मांग दिया गाड़ी में बैठे और वापस आ गए, आप उन बाहर लोगों में से हैं। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप जाके बजाते खुद मतलब ऑन ग्राउंड आपने ये चीजें की हैं और ऐसे ऐसे एरियाज में आपको एक्सेस मिली है जहाँ एक्सेस मिलना मुश्किल है, ये आसानी कैसे मिली लाला? सिर्फ आप मेरे कुछ आर्मी में दोस्त है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं इन एरियाज में जाना चाहता हूँ। अभी आपको पता है बलूचिस्तान में भी कुछ थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है, एंड देन फिर वजीरिस्तान वगैरह वाला भी इशू था, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए काफी सारी चीजों को इजी कर दिया था। उन्होंने रिस्क लिया लेकिन मुझे जाना था ही था, मैंने जिद की थी कि नहीं मैंने जाना है, मैंने पहुंचना है उन लोगों के पास। नहीं, कुछ आज जगहों पे उन्होंने रोका मुझे कि यहाँ अभी ना जाओ यहाँ पे, मैंने कहा हाँ अभी तो मैं आपकी मान रहा हूँ लेकिन बाद में मैं किसी की नहीं मानता, मैं बगैर बताए पहुंच जाऊंगा तो प्लीज। लेकिन आई नो पूछना चाहता है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, कितना डोनेट करूँ भाई? जितना आप करना चाहें आप करें, लेकिन लाला आप क्या समझते हैं, लोगों को थोड़ा सा बताएं किस तरह डोनेट किया जा सकता है? वो तो आपने बता ही दिया है, कितनी भी कोई बात कोई कॉज के लिए देना चाहे, वैसे आपकी इस वक्त जो नेक्स्ट आपका टारगेट है वो क्या है, कितने होने चाहिए पैसे, मतलब रफली फिगर? सना, इस जिस काम में मैं उतरा हूँ इसमें पैसों की तो मेरा मतलब है जरूरत है ही है। अब जैसे हम अगर 1000 फैमिली को राशन देते हैं और वो 1000 फैमिली को राशन तकरीबन कोई 2 से 2.5 हफ्ते या ज्यादा 3 हफ्ते वो राशन चल सकता है, तो एक राशन जो हम फैमिली को देते हैं तो वो 2000 का बनता है, तो तकरीबन 1000 फैमिली के लिए लगा दें तो तकरीबन 20 लाख का राशन बनता है वो 1000 फैमिलियों के लिए, 1000 फैमिलीज के लिए। हर एक बंदे ने, हमारे पास वेबसाइट भी है www.donatecorona.com पे, वहां पे भी लोग कर सकते हैं, या 80086 पे होप नॉट आउट लिख कर भी मैसेज कर सकते हैं। है तो 10 रुपए लेकिन वो 10 रुपए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, वो 10 रुपए जो है वो लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। आप यकीन करें सना, एक दरवाजा मैंने नॉक किया, मैं खुद अपने हाथ से राशन लेके जा रहा था, तो मैंने दरवाजा नॉक किया, एक बूढ़ी माँ तकरीबन कोई 75-80 के बीच में थी, तो कहती है जी बेटा, मैंने कहा अम्मा ये राशन लेके आया हूँ आपके लिए, तो मेरी तरफ देखती मुस्कुराती रही, कह रहे अच्छा मेरी अल्लाह ने इतनी जल्दी सुन ली, मेरे घर राशन आ भी गया? मैंने कहा जी बस हमें अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के आपके पास भेजा। कहती बेटा मेरी सुबह से 3 बच्चों ने मेरे घर में कुछ भी नहीं खाया और ये 4 बजने को आ गए शाम के, कुछ भी सुबह से उन्होंने बच्चों ने नहीं खाया हुआ था। ऐसे बच्चे हैं हमारे जो नंगे पांव, आप यकीन करें कि वो किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर नोकीले